देखते हैं नेक्स्ट 29th क्वेश्चन, कॉट एक्स लॉग साइन एक्स डी एक्स, आपको देखना है कि क्या पुट करें जो दूसरा रिमूव हो जाए। कॉट एक्स को करने से लॉग बिल्कुल नहीं आएगा, लेकिन शायद लॉग साइन एक्स लेने से आ जाएगा, तो हम यहाँ लेट करते हैं टी इक्वल टू लॉग साइन एक्स, तो डी टी इक्वल टू हो जाएगा लॉग साइन एक्स, लॉग एक्स का होता है 1/x, तो 1/sin x, फिर साइन एक्स का करेंगे तो कॉस एक्स और डी एक्स, तो डी टी इक्वल टू आ गया कॉस अपॉन साइन होता है कॉट एक्स और ये डी एक्स, यही हमें ज़रूरत थी कॉट एक्स डी एक्स की, तो इसकी जगह हम डी टी से रिप्लेस कर देंगे इसे, और लॉग साइन एक्स की जगह हम यूज करेंगे टी, तो ये हो गया टी डी टी इक्वल टू टी स्क्वायर अपॉन टू प्लस सी, टी की जगह हम यूज करेंगे लॉग साइन एक्स का स्क्वायर अपॉन ये 1/2 कर दें प्लस सी, तो ये हो गया आपका 29th 30th। देखते हैं ये भी जी है, डिनोमिनेटर को पुट कर लेते हैं टी की जगह, लेट टी इक्वल टू 1+cos x, तो डी टी इक्वल टू हो जाएगा -sin x dx, लेकिन हमें चाहिए साइन एक्स, तो माइनस को इधर लाते हैं, माइनस ये है डी टी, माइनस डी टी इक्वल टू साइन एक्स डी एक्स, साइन एक्स डी एक्स की जगह माइनस डी टी करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस डी टी अपॉन 1+cos x की जगह टी इक्वल टू माइनस, ये हो गया 1/t डी टी इक्वल टू माइनस 1/t होता है लॉग मॉडुलस ऑफ टी प्लस सी इक्वल टू माइनस लॉग मॉडुलस, टी की जगह हम 1+cos x यूज करेंगे और प्लस सी, तो ये हुआ आपका इंटीग्रेशन। देखते हैं 31st, साइन एक्स अपॉन 1+cos x का होल स्क्वायर डी एक्स, तो अगर 1+cos x इक्वल टू टी ले लें तो साइन डी एक्स हमें मिलेगा, तो यहाँ हम लेते हैं लेट टी इक्वल टू 1+cos x, तो डी टी इक्वल टू हो जाएगा माइनस साइन एक्स डी एक्स, लेकिन हमें चाहिए साइन एक्स डी एक्स, तो माइनस इधर कर देते हैं डी टी के साथ, तो माइनस साइन एक्स डी एक्स, साइन एक्स डी एक्स की जगह हम माइनस डी टी करेंगे और 1+cos x की जगह टी, तो इक्वल टू ये होगा माइनस डी टी अपॉन टी स्क्वायर, तो इक्वल टू इसे हम लिख सकते हैं माइनस बाहर ये 1/t² डी टी इक्वल टू माइनस टी स्क्वायर को हम भेजेंगे ऊपर, तो t^-2 डी टी इक्वल टू माइनस, अब इंटीग्रेट कर देते हैं तो ये हो जाएगा t^-2+1 अपॉन -2+1 इक्वल टू माइनस, ये हो जाएगा t^-1 अपॉन -1, माइनस माइनस कैंसिल होगा और c कहीं नहीं लिख, यहाँ लिखना है c प्लस c इक्वल टू ये माइनस माइनस कैंसिल, 1/t होगा प्लस c, और 1/t की जगह हम पुट करेंगे 1/1+cos x, 1/1+cos x और प्लस सी कॉस एक्स प्लस सी, तो ये हुआ आपका 31। तो देखते हैं आपका ये 32, इसमें आपको कुछ अलग से करना पड़ेगा, तो हम क्या करते हैं इसे साइन और कॉस में चेंज कर लेते हैं, 1+cos x अपॉन साइन एक्स और ये डी एक्स, आगे फिर हम इसे एलसीएम लेते हैं तो ये एलसीएम आएगा साइन एक्स, ये हो जाएंगे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स
डी एक्स साइन एक्स को ऊपर भेजेंगे तो ये हो जाएगा साइन एक्स और अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब हमें क्या करना है, इसमें थोड़ी सी ट्रिक लगानी पड़ेगी कि 2 से डिवाइड कर दें और 2 से मल्टीप्लाइड कर दें, ये 1/2 कर दिया और 2 से मल्टीप्लाइड, तो इससे हमें क्या आसानी होगी कि इसे हम कर सकते हैं साइन एक्स प्लस साइन एक्स, दो बार लिख दिया ऐड करके, अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और ये डी एक्स। अब देखो इधर हमें, हमने कहा ट्रिक लगानी पड़ेगी, यहाँ कॉस एक्स है तो हम ऐड कर देते हैं कॉस एक्स, अब अलग से ऐड किया है तो यहाँ सब्ट्रैक्ट कर देते हैं कॉस एक्स और ये आपका आ गया डी एक्स। नेक्स्ट स्टेप में अभी हम इंटीग्रेशन का कुछ भी शुरू नहीं किया, केवल ट्रिग्नोमेट्री चलती है, इसको अलग अलग पार्ट में इससे डिवाइड करते हैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और ये डी एक्स ये कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ आएगा प्लस, ये हम 1/2 दोनों के साथ है तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, इंटीग्रेशन ले लेते हैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, अलग अलग कर लिया है ना डी एक्स, तो यहाँ तो 1 मिलेगा आपको, ये आपके लिए आ गया 1/2, इसको अलग कर लेते हैं और ये डी एक्स प्लस 1/2 इसके साथ कर दीजिए 1/2, और यहाँ पर आप पुट कर सकते हो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की जगह टी, लेट टी इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो डी टी इक्वल टू हो जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और ये डी एक्स, लेकिन आपको चाहिए साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, तो माइनस कॉमन ले लो तो ये हो गया साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और डी एक्स, लेकिन आपको माइनस भी नहीं चाहिए तो माइनस कर दो, लेफ्ट में माइनस डी टी हो जाएगा, यानी कि इसकी जगह साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स की जगह आप माइनस डी टी यूज करेंगे, इनकी माइनस डी टी और इसकी जगह टी, तो देखते हैं इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स यानी कि 1/2x प्लस 1/2, ये माइनस बाहर लिया तो यहाँ माइनस कर दिया, 1/2 का होगा लॉग मॉडुलस ऑफ टी प्लस सी, तो ये हो जाएगा एक्स अपॉन टू माइनस 1/2 लॉग मॉडुलस टी, टी की जगह हम पुट करेंगे टी हमने लिया था साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और प्लस सी, तो ये आ गया आपका आंसर। देखते हैं 33rd क्वेश्चन, ये भी 32 की तरह है, यहाँ भी हमें टिगनो यूज करनी होगी, 1/1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स और ये डी एक्स एज इट इज इक्वल टू एलसीएम लेंगे, कॉस एक्स एलसीएम होगा तो ये हुआ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और ये डी एक्स, कॉस एक्स ऊपर जाएगा कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और ये डी एक्स, फिर 1/2 करेंगे और 2 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो 1/2 2 कॉस एक्स को लिखेंगे कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, अब यहाँ पर माइनस साइन एक्स है तो यहाँ माइनस साइन एक्स किया
और जब माइनस किया है तो यहाँ पर प्लस किया। सेम 32 की तरह है ये भी, तो 1/2, इसको हम अलग अलग लिख लेते हैं, तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, प्लस 1/2, ये आ गया कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और ये लेंगे हम कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स। ये इसका इंटीग्रेशन अगर हम करेंगे तो एक्स आ जाए 1/2 डी एक्स प्लस 1/2। हम यहाँ पुट करते हैं कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल टू टी, लेट कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल टू टी, तो देखते हैं हमें मिलता है माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, लेकिन हमें माइनस नहीं चाहिए तो माइनस कॉमन ले लिया, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, माइनस भी नहीं चाहिए तो माइनस को राइट में भेजते हैं, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस डी टी, यानी कि इसकी जगह आप यूज कर सकते हो माइनस डी टी और यहाँ करोगे टी तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस डी टी अपॉन टी, तो इक्वल टू ये आ गया आपका डी एक्स का होगा एक्स, यानी कि एक्स अपॉन टू माइनस बाहर ले लेते हैं तो 1/2 और ये माइनस 1/t डी टी, ये होगा एक्स अपॉन टू माइनस 1/2 ये लॉग मॉडुलस ऑफ टी प्लस सी इक्वल टू एक्स अपॉन टू। हमने इंटीग्रेशन अभी किया, अब किया है तो यहाँ सी लेके चलेंगे, जैसे ही इंटीग्रेशन कर देते हैं तो सी जरूर लगाते हैं, ध्यान रखना, तो एक्स अपॉन टू माइनस 1/2 लॉग टी की जगह हमने यूज किया था कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और प्लस सी, बाद में जो भी कॉन्स्टेंट आता है वो सी में ही ऐड हो जाता है, एक बार हम लिख चुके जो भी होगा फिर वो सी में ही आएगा। अब देखते हैं 34th क्वेश्चन, ये इम्पोर्टेंट है, थोड़ा हटके है जो पहले किए हैं उनसे, रूट टेन एक्स अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स, इसमें भी आपको ट्रिग्नो यूज करनी होगी, डायरेक्ट कुछ पुट नहीं कर पाएंगे, तो इसमें हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में हमें दिखता है कि अगर हम कॉस एक्स से डिवाइड कर दें, कॉस एक्स से मल्टीप्लाइड कर दें, तो ये हो जाएगा कुछ इस तरह से साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ये कॉस एक्स तो था ही, कॉस एक्स से मल्टीप्लाइड भी कर दिया तो एज इट इज रहा इक्वल टू, ये रहा रूट टेन एक्स अपॉन, ये हुआ टेन एक्स और ये हो गया कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू रूट वन, ये क्या था टेन एक्स था, रूट टेन एक्स अपॉन टेन एक्स और कॉस स्क्वायर को ऊपर ले जाएं तो ये हो जाएंगे सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और ये टेन एक्स से रूट टाइम कैंसिल हो जाएगा, यानी कि इसे हम लिख सकते हैं 1/√10x और ये sec स्क्वायर x dx। अब हम कुछ पुट कर सकते हैं, अगर हम t इक्वल टू टेन एक्स पुट करेंगे तो टेन एक्स का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है dx मिलेगा, ये dt से रिप्लेस हो जाएगा, तो यहाँ हम करते हैं लेट t इक्वल टू टेन एक्स
तो डी टी इक्वल टू हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह आप इसे डी टी में रिप्लेस करोगे तो ये आ जाएगा आपका वन अपॉन रूट टी और डी टी इक्वल टू, इसे लिखोगे आप टी टू पावर माइनस वन बाई टू डी टी, तो ये हो जाएगा टी टू पावर माइनस वन बाई टू प्लस वन अपॉन माइनस वन बाई टू प्लस वन प्लस सी, तो ये हो गया टी टू पावर वन बाई टू अपॉन वन बाई टू प्लस सी, तो इसे आप लिख सकते हो टू रूट टी प्लस सी, या टू रूट टी की जगह आप पुट करेंगे टेन एक्स टू रूट टेन एक्स प्लस सी, ये हो गया आपका आंसर। देखते हैं 35th, इसमें हमें वन प्लस लॉग एक्स को टी ले सकते हैं, टी इक्वल टू वन प्लस लॉग एक्स। अब तो दिखाई देने लगा होगा कि क्या हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो डी टी इक्वल टू हो जाएगा वन अपॉन एक्स डी एक्स, यानी कि वन अपॉन एक्स डी एक्स की जगह हम डी टी करेंगे, इसकी जगह टी करेंगे, तो ये हो गया टी स्क्वायर डी टी। इसे कहते हैं टी क्यूब अपॉन थ्री प्लस सी, और टी क्यूब से मतलब हुआ वन प्लस लॉग एक्स का क्यूब अपॉन थ्री प्लस सी। ये क्वेश्चन थोड़ा सा रिफॉर्म होना चाहता है, ऐसे नहीं होगा ये, इसमें एक्स प्लस वन को एज इट इज रहने दें, यहाँ से कॉमन ले लें, अगर हम एक्स अगर कॉमन लेंगे तब तो ये वन प्लस, ये कैसे एक्स प्लस लॉग एक्स है, ठीक है, तो यहाँ हम एक्स प्लस लॉग एक्स की जगह ये एक्स यहाँ लिख देते हैं, और हमने एक्स प्लस लॉग एक्स और ये डी एक्स, तो हमने लेट किया लेट एक्स प्लस लॉग एक्स इक्वल टू टी, तो ये हो गया हमारा वन प्लस वन अपॉन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी डी टी। यहाँ अगर हम एक्स कॉमन एलसीएम ले लें तो एक्स प्लस वन अपॉन एक्स हो गया डी एक्स इक्वल टू डी टी, यानी कि एक्स प्लस वन अपॉन एक्स डी एक्स की जगह आप रिप्लेस कर दोगे इसे डी टी से, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स डी एक्स की जगह डी टी, तो ये आ गया आपका x प्लस लॉग x की जगह t, तो बिल्कुल आसान हो गया t डी टी, यानी कि t स्क्वायर अपॉन टू प्लस सी, ये n प्लस वन वाले फॉर्मूले से वन प्लस वन अपॉन वन प्लस वन होगा, तो वन अपॉन टू टी, टी है हमारा x लॉग x का होल स्क्वायर और प्लस सी, तो ये आपका 36 हुआ। यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है, ये x प्लस लॉग x का स्क्वायर था, तो ये हो जाएगा t स्क्वायर dt, तो ये हो जाएगा t क्यूब अपॉन 3, 2 प्लस 1 होगा 3, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 3 और ये 3, और सब कुछ वही करना है टी एक्स लॉग एक्स वन अपॉन थ्री एक्स प्लस लॉग एक्स का क्यूब प्लस सी। देखते हैं 37 क्वेश्चन, ये दिया है एक्स क्यूब साइन टेन इनवर्स एक्स टू पावर 4 अपॉन 1 प्लस एक्स टू पावर 8 डी एक्स। तो यहाँ आप पुट आपको दिख नहीं रहा अभी कुछ, लेकिन टेन इनवर्स एक्स वाला फार्मूला मालूम है, ये होता है वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स टू पावर 4 है उसी का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो सेम वही फार्मूला है ये, तो लेट टी इक्वल टू टेन इनवर्स
एक्स टू पावर फोर, तो डी टी इक्वल टू हो जाएगा वन अपॉन वन प्लस एक्स टू पावर फोर का स्क्वायर, और एक्स टू पावर फोर का करोगे तो ये हो जाएगा फोर एक्स क्यूब, हमें लाना एक्स फोर एक्स क्यूब और डी एक्स। अब देखो लाना क्या है हमें, एक्स क्यूब डी एक्स अपॉन वन प्लस एक्स टू पावर एट, फोर को हम इधर लाते हैं, डी टी अपॉन फोर इक्वल टू हो जाएगा एक्स क्यूब और ये वन प्लस एक्स टू पावर एट और डी एक्स, एक्स क्यूब डी एक्स वन प्लस एक्स टू पावर एट, इसकी जगह हम डी टी अपॉन फोर करेंगे, ये हो जाएगा डी टी अपॉन फोर, और साइन टेन इनवर्स एक्स टू पावर फोर की जगह साइन टी, तो ये हो जाएगा वन अपॉन फोर बाहर आएगा साइन टी डी टी, साइन टी का इंटीग्रेशन होता है कॉस टी, और माइनस में होगा कॉस टी प्लस सी, तो माइनस वन अपॉन फोर कॉस टी की जगह टेन इनवर्स एक्स टू पावर फोर और प्लस सी, तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 37। ये आया हमारा 38th क्वेश्चन। तो यहाँ हम डिनोमिनेटर को टी पुट कर लेते हैं, लेट टी इक्वल टू टेन टू एक्स टू पावर टेन प्लस टेन टू पावर एक्स, तो डी टी इक्वल टू हो जाएगा, इसका होगा डिफरेंशिएशन टेन एक्स टू पावर नाइन प्लस ये ए टू पावर एक्स की तरह होगा, तो ए टू पावर एक्स यानी कि टेन टू पावर एक्स लॉग ई टेन और सबके साथ में डी एक्स, यही हमें चाहिए, टेन टू टेन एक्स टू पावर नाइन प्लस टेन टू पावर एक्स लॉग ई टेन डी एक्स, इसकी जगह हम डी टी पुट करेंगे, तो ये बिल्कुल आसान हो गया डी टी और ये अपॉन टी, तो वन अपॉन टी डी टी होता है लॉग मॉडुलस टी प्लस सी, तो लॉग टी टी की जगह हमें लेना एक्स टू पावर टेन प्लस टेन टू पावर एक्स प्लस सी, तो आपको इसमें ऑप्शन दिया है, तो लॉग टेन टू पावर एक्स ये रहा आपका ऑप्शन डी, तो ऑप्शन डी इसके लिए राइट होगा। ये जो लास्ट क्वेश्चन आया ये भी थोड़ा ट्रिकी है, देखो अभी हमें कुछ नहीं दिख रहा है इसमें, यहाँ भी हमें कुछ अलग से करना होगा, तो बन यहाँ बन की जगह ये बन है, यहाँ हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, और ये रहा आपका डी एक्स। अब इनको डिवाइड कर लो अलग अलग, ये हुआ साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, और ये ब्रैकेट के बाहर डी एक्स, ये कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो गया, तो आपका ये आ जाएगा वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वन अपॉन साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये होगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस कोसिक स्क्वायर एक्स कोसिक स्क्वायर एक्स और डी एक्स, इनको आप अलग अलग कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस कोसिक स्क्वायर एक्स डी एक्स, यही था आपका। और अब सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होगा टेन एक्स
और कोसेक स्क्वायर का होगा माइनस कोट एक्स और प्लस सी। तो ये आ गया आपका ऑप्शन होगा राइट आपके लिए बी। इस तरह से ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। थैंक यू। नोट इट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।